वेलकम वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 4। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर can be increased without increasing its size by decreasing potential at constant value of charge। देखो, जो कैपेसिटर है वो एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसका जो साइज है वो तो इंक्रीज नहीं करे और जो पोटेंशियल है उसी को अगर अपन डिक्रीज कर दें तो पोटेंशियल को डिक्रीज करने से क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट मींस विदाउट इंक्रीजिंग द साइज एंड डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एंड कांस्टेंट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। नेक्स्ट, ए कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। द कैपेसिटेंस सी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द साइज। कैपेसिटर किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? फर्स्ट है साइज ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड शेप ऑफ द कंडक्टर, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स। और एग्जांपल, ये आपकी कोई प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट का जो साइज है एक तो उस पर डिपेंड करेगा, पैरेलल प्लेट का साइज कैसा है एक तो उस पर डिपेंड करेगा। ये जैसे पैरेलल प्लेट है, ठीक। सेकंड है इसका साइज हो गया, फिर शेप है कि ये जो पैरेलल प्लेट है ये किस शेप की है उसमें भी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी, और एक डिस्टेंस पे, इन दोनों के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। और इन दोनों के बीच मीडियम कैसा है, एयर है या कोई हमने लिक्विड ले रखा जिसका कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस पे भी डिपेंड करती है। तो कैपेसिटर एक चार्जिंग स्टोरिंग डिवाइस ऐसा बनाया जिसमें, देखो, चार्ज को होल्ड करने के लिए अपने को क्या करना है, उसका साइज बढ़ाएंगे तभी ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन फिजिक्स में हमने ये कहा कि अगर उसका साइज नहीं बढ़ाए, साइज तो कांस्टेंट रखें और उसकी पोटेंशियल को अगर डिक्रीज कर दें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्लियर। सो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर वी को हम डिक्रीज कर दें पोटेंशियल को तो सी इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? तो पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं, साइज को चेंज नहीं कर रहे। साइज देखो, हमें बहुत सारा चार्ज चाहिए, कितना बड़ा साइज लेके आए कंडक्टर का, इतना बड़ा चार्ज, इतना बड़ा कंडक्टर लाएंगे, उससे अच्छा है कि एक ऐसा डिवाइस बनाया कैपेसिटर जिसका साइज तो हम इंक्रीज कर नहीं रहे और उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं। पोटेंशियल डिक्रीज होने से उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर बात ये आई, एक तो इसके साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे और डिस्टेंस पे, जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है उस पे, इन बिटवीन डिस्टेंस, और थर्ड है मीडियम, जो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है। सिंबल देख लो, कैपेसिटर का सिंबल जो होता है, देखो ये तो है एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से आती है बैटरी का लाइन सिंबल में, यहाँ पे इन दोनों की जो लाइन्स है इस तरह का जो सिंबल है दोनों इक्वल है लाइन्स, ठीक है। इस तरह का सिंबल हम सर्किट में यूज करते हैं, तो ये कहलाता है फिक्स कैपेसिटेंस कैपेसिटर। और अगर इस तरह से लगा हुआ है तो ये कहलाएगा वेरिएबल। जैसे हम रेजिस्टेंस में लेते हैं, ये तो है सिंपल रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, और अगर इसी रेजिस्टेंस में अपन इस तरह से लगा देते हैं तो ये कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटर है और ये फिक्स का सिंबल है। तो जब भी सर्किट में इस तरह से दिखे तो समझ जाने कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक। आप कैपेसिटर के टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल जो प्लेट कैपेसिटर है उसको हम ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हैं, और एक स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर तीन हो गए आपके पास, पैरेलल प्लेट,
कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर और थर्ड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है ट्वेल्थ में, ये वाला, ये बीएससी में पढ़ेंगे आप आगे। तो हम दो को पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर को, ठीक है। हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस में ये दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, इनको पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो पैरेलल दो प्लेट ले लेंगे, उन प्लेट्स में डिस्टेंस ले लेंगे, तो उनका साइज और शेप ले लेंगे फिक्स, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी करेंगे, ओके। तो आपको कैपेसिटर क्लियर हो जाना चाहिए कि साइज को बिना इंक्रीज किए, कोई भी कंडक्टर उसका साइज इंक्रीज नहीं कर रहे, उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करके जो कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं वो कहलाता है कैपेसिटर, ठीक है। किस किस पर डिपेंड करते हैं, साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स, क्लियर। और कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ये आपको मैंने बताया था, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्लियर। थैंक यू सो मच।